हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है सोशल लॉफिंग। देखो, ये हम सब जानते हैं कि ग्रुप बहुत पावरफुल होते हैं और इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरों के प्रेजेंस का इम्पैक्ट हमारे परफॉर्मेंस पर कैसे होता है, ये मैं आपको दो सिचुएशन से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो, जो पहली सिचुएशन होती है उसमें क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल अकेला परफॉर्म करता है ऑडियंस के सामने, तो उसका परफॉर्मेंस एनहांस होता है क्योंकि वो फुली मोटिवेटेड होता है, वो अलर्ट हो जाता है, अराउज हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। तो देखो, जब वो स्टेज पर अकेला परफॉर्म करेगा तो वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करेगा और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो प्रेजेंट करेगा ऑडियंस के सामने। इसे हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। देखो, ये टर्म हम 6 चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। सोशल फैसिलिटेशन क्या होता है कि जब इंडिविजुअल स्टेज पर अकेला परफॉर्म करता है तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है, ऑडियंस उस अकेले के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा। तो ये टर्म होती है सोशल फैसिलिटेशन। इसे हम फर्स्ट सिचुएशन कंसीडर करते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट सिचुएशन। देखो, जब एक इंडिविजुअल ग्रुप में परफॉर्म करता है, यानी उसका परफॉर्मेंस सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, वो ग्रुप में अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, अपने आप को एग्जिबिट कर रहा है, अपने आप को परफॉर्म कर रहा है ऑडियंस के सामने। तो देखो, ग्रुप में क्या होता है कि वो लेस मोटिवेटेड होता है, वो लेस एफर्ट्स पुट करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा, पूरे ग्रुप के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि वो लेस एफर्ट्स पुट करेगा, वो ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा क्योंकि उसे इस बात की अच्छे से नॉलेज है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो ग्रुप का नाम होगा, अगर कोई अवार्ड मिलेगा तो ग्रुप को मिलेगा। तो यहाँ पर वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट नहीं करेगा। इस टर्म को हम कहते हैं सोशल लॉफिंग। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सोशल लॉफिंग से रिलेटेड सारी टर्म्स क्लियर करूंगी कि क्या रीजन होते हैं सोशल लॉफिंग के और कैसे हम सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से मेजर्स लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं जिससे सोशल लॉफिंग को रिड्यूस किया जा सकता है। ये सारी डिटेल पॉइंट्स आज के वीडियो लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ स्टार्टिंग से एंड तक पूरा लेक्चर देखना ताकि आपको रीजन भी समझ में आ जाए कि सोशल लॉफिंग होती क्यों है, और दूसरा आपको मेजर्स भी समझ में आ जाए, आपको वो स्टेप्स भी समझ में आ जाए कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो, आप सोशल लॉफिंग कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है सोशल लॉफिंग का। सोशल लॉफिंग रेफर्स टू रिडक्शन इन इंडिविजुअल्स मोटिवेशन एंड एफर्ट्स व्हेन अ पर्सन इज वर्किंग इन अ ग्रुप। देखो, जब हम ग्रुप में काम करते हैं, जब हमारे कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं, जब कलेक्टिव टास्क होता है, तो इंडिविजुअल के मोटिवेशन और एफर्ट्स में रिडक्शन हो जाता है, यानी वो फुली मोटिवेटेड नहीं होगा और उसके फुल एफर्ट्स नहीं होंगे, वो अपना 100% नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर उसे पता है कि ग्रुप को ही फेम मिलने वाली है, ग्रुप को ही अवार्ड मिलने वाला है, इंडिविजुअल लेवल पर उसका इवेल्युएशन नहीं होगा। तो इस टर्म को हम कहते हैं सोशल लॉफिंग। देखो, आप इसमें एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। इसमें क्या होता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा मेंबर ज्यादा फोर्स एग्जर्ट कर रहा है और कौन सा मेंबर कम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि ये कलेक्टिव टास्क है, सारे मेंबर इकट्ठे मिलकर कलेक्टिव एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और अगर वो अपने गेम को विन कर जाते हैं तो यहाँ जो अवार्ड दिया जाएगा वो पूरे ग्रुप को दिया जाएगा। तो समझ आया? देखो, इस फिनोमिना को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लैटने और उसके एसोसिएट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पर भी।
इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने मेल स्टूडेंट्स को यूज किया। मेल स्टूडेंट्स को उन्होंने बोला कि आप इकट्ठे मिलकर सारे चिल्लाएं या फिर आप ग्रुप लेवल में आकर सारे ताली बजाएं, जोर से क्लैपिंग करें। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने उन्हें इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म करने के लिए बोला तो उन्होंने बहुत तेज क्लैपिंग की और बहुत जोर से चिल्लाए वो इंडिविजुअल लेवल पर जब उन्हें परफॉर्म करना था तो, और जब उन्हें कलेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए बोला गया, ग्रुप में परफॉर्म करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने देखा कि ग्रुप इंक्रीज होने की वजह से टोटल अमाउंट ऑफ साउंड तो बढ़ गई थी, यानी ज्यादा मेंबर होने की वजह से आवाज तो तेज आ रही थी, लेकिन ईच पार्टिसिपेंट के लेस एफर्ट थे। जब वो ग्रुप में परफॉर्म कर रहे थे तो ना ही तो उनकी आवाज में तेजी थी और ना ही वो तेज से क्लैपिंग कर रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से यही प्रूव किया जाता है कि जब हम इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो हमारे परफॉर्मेंस में एनहांसमेंट होती है, हम बेस्ट एफर्ट्स पुट करते हैं, और जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो वहाँ हम लेस मोटिवेटेड होते हैं और हमारे एफर्ट्स लेस होते हैं। इसे आप एग्जांपल से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, आप दो एग्जांपल देना। फॉर एग्जांपल, सोशल लॉफिंग इन स्कूल कैन बी मॉर्निंग असेंबली वेयर एवरीवन इज सपोज्ड टू सिंग बट नॉट एवरीवन सिंग अलोन। देखो, आपके स्कूल में जब मॉर्निंग असेंबली होती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर स्टूडेंट एक साथ मिलकर इकट्ठे प्रेयर करेंगे। हर स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप तेज आवाज में प्रेयर करिए। लेकिन देखो, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। कुछ स्टूडेंट तो तेज आवाज में प्रेयर बोलते हैं और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लिपसिंग करते हैं। तो देखो, यहाँ पर क्या है कि सारे स्टूडेंट इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये एक ग्रुप परफॉर्मेंस है, ये एक कलेक्टिव टास्क है। लेकिन अगर किसी एक स्टूडेंट को बोला जाता है कि आप स्टेज पर जाकर प्रेयर को रिसाइट कीजिए, प्रेयर बोलिए, तब तो उस स्टूडेंट का परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि सब लोग उसे इंडिविजुअली ऑब्जर्व करेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वो अराउज हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा और वो फुली मोटिवेटेड होगा और तेज आवाज में वो उस प्रेयर को रिसाइट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसे इंडिविजुअली इवेल्युएट किया जा रहा है। तो यही होता है कि जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो हमें पता है कि इंडिविजुअल लेवल पर कोई हमारे परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हमारा जो एफर्ट होता है वो लेस हो जाता है और हम लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, जैसे नॉट एवरीवन स्टूडेंट क्लैप व्हेन मैरिट सर्टिफिकेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो, जब मॉर्निंग असेंबली में मैरिट सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, उनको अवार्ड दिए जाते हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली क्लैपिंग के लिए बोला जाता है। लेकिन देखो, हर स्टूडेंट तेज आवाज में क्लैपिंग नहीं करता। तो ये क्या है, ये है सोशल लॉफिंग। तो इन शॉर्ट, जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो हमारे मोटिवेशन और एफर्ट्स में रिडक्शन हो जाता है, इसे हम कहते हैं सोशल लॉफिंग। तो देखो, ऐसा होता क्यों है, क्या रीजन है सोशल लॉफिंग के, मैं आपको 5 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ध्यान से सुनना, पांचों ही पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है जिनकी वजह से सोशल लॉफिंग अराइज होता है। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, कॉजेज ऑफ सोशल लॉफिंग। फर्स्ट पॉइंट इज, ग्रुप मेंबर्स फील लेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क एज मैनी मेंबर्स आर प्रेजेंट देयर। देखो, जब ग्रुप में मेंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो हर मेंबर अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल फील करता है। क्यों ऐसा फील करता है, क्योंकि देखो, जब भी कोई ग्रुप परफॉर्मेंस होता है तो वहाँ एक से ज्यादा मेंबर होते हैं और हर मेंबर के माइंड में एक चीज होती है कि सारे मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल है अच्छे ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए, तो सबको बेस्ट एफर्ट्स पुट करने चाहिए, मैं ही अकेला ज्यादा पेन क्यों लूं। इसलिए हर मेंबर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है एक ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए। अगर उसे सोलो परफॉर्मेंस देना है तो वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करेगा,
लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को लेस रिस्पॉन्सिबल फील कर रहा है क्योंकि और भी मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट हैं, उनके भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करता है, इसलिए वो अपना 100% नहीं देता। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज देयर मोटिवेशन इज लेस एज देयर इज नो इंडिविजुअल इवेल्युएशन और रिवॉर्ड्स। देखो यहाँ पर मेंबर लेस मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं हो रहा, इंडिविजुअल इवेल्युएशन नहीं होगा, ना ही इंडिविजुअली रिवार्ड किया जाएगा। अगर ग्रुप का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ग्रुप का नाम होगा, जो फेम मिलेगी वो ग्रुप को मिलेगी। यहाँ पर इंडिविजुअल को कोई फेम नहीं मिलेगी, कोई रिवार्ड नहीं मिलेगा, इस वजह से वो लेस मोटिवेटेड होते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस वो नहीं देते। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रुप परफॉर्मेंस इज नॉट कम्पेयर टू अदर ग्रुप। देखो यहाँ कॉम्पिटेटिव स्पिरिट नहीं आती क्योंकि यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा दूसरे ग्रुप से, इसलिए सारे मेंबर का एक रिलक्टेंट परफॉर्मेंस होता है। वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि उन्हें पता है कि किसी तरह का कोई कंपैरिजन तो होना नहीं, तो इसलिए वो लेस मोटिवेटेड होते हैं और उनके लेस एफर्ट्स होते हैं अपने परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग ग्रुप मेंबर्स सो लेस मोटिवेशन इज देयर। देखो ग्रुप में क्या होता है कि लेस कोऑर्डिनेशन होता है, सारे मेंबर्स को एक ही स्टेप करनी होती है। अगर किसी मेंबर ने बाय चांस कोई स्टेप गलत कर दी तो वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई की जाती है। अगर आप सोलो परफॉर्म कर रहे हैं और किसी तरह की कोई गलत स्टेप हो गई तो इतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा जितना कि ग्रुप में, इसलिए ग्रुप में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता इस वजह से भी मेंबर्स लेस मोटिवेटेड फील करते हैं। लास्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू अ ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट, इट इज ओनली एग्रीगेट टू इंडिविजुअल्स। देखो इसमें क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा कोई लीड रोल नहीं है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इस परफॉर्मेंस में, इसलिए उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप नहीं होता, वीक फीलिंग नहीं आती, वहाँ पर टीम स्पिरिट डेवलप नहीं होती, इस वजह से भी वो अपने परफॉर्मेंस में रिलक्टेंट होते हैं, लेस मोटिवेटेड होते हैं, लेस एनर्जेटिक होते हैं। परफॉर्मेंस के टाइम भी वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट नहीं करते क्योंकि उनके माइंड में इस तरह की फीलिंग डेवलप्ड है कि अगर हम अपने बेस्ट एफर्ट्स भी देंगे तो भी हमारा कोई नाम नहीं होने वाला या हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमारा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जो ग्रुप का लीडर है उसी का नाम होगा। इस वजह से उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस नहीं डेवलप होती, वीक फीलिंग डेवलप नहीं होती ग्रुप के लिए और वो अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट नहीं करते हैं। तो समझ आए ये 5 रीजन है जिनकी वजह से सोशल लॉफिंग अराइज होता है, सोशल लॉफिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। आपको ये 5 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद आप 2 एग्जाम्पल देंगे, फिर आपको कॉजेज लिखने हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्कर आता है तो आपको इस तरह से इसे डिफाइन करना है। क्लियर। डेफिनेशन और इन 5 रीजंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। सोशल लॉफिंग में भी रिड्यूस्ड बाय, देखो 5 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं, सारे पॉइंट 1 by 1 डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले लेती हूँ फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मेकिंग ईच इंडिविजुअल एफर्ट्स आइडेंटिफिएबल। देखो जो ग्रुप का लीडर होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर मेंबर को ये रियलाइज करवाए कि आपके एफर्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपके एफर्ट्स को नोट डाउन किया जाएगा, इसलिए वो हार्डवर्क करेंगे, वो फुली मोटिवेटेड होंगे और अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे। क्योंकि देखो उन्हें इस चीज का डर होगा कि मेरी हर स्टेप को नोटिस किया जा रहा है, हर स्टेप को ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपने 100% एफर्ट्स पुट करेंगे। दूसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग द वर्क प्रेशर सो दैट कमिटमेंट टू ग्रुप टास्क इंक्रीजेस। देखो सोशल लॉफिंग को रिड्यूस करने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम वर्क प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, वर्क लोड को इंक्रीज कर देते हैं, तो सारे मेंबर्स कमिटेड हो जाएंगे,
वो फुली डेडिकेटेड हो जाएंगे अपने वर्क परफॉर्मेंस के लिए और वो अपने 100% एफर्ट्स पुट करेंगे। वो फुली मोटिवेटेड होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बढ़ गया है, तो वो ऑनेस्टली अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करेंगे। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ टास्क। देखो, जो भी आपका ग्रुप परफॉर्मेंस है उसकी वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो भी सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाएगी। आपको उन्हें ये बताना होगा कि ये जो वर्क है, ये जो टास्क है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल है, आगे जाकर इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, तो सारे मेंबर्स कमिटेड हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे और अपने बेस्ट एफर्ट्स पुट करेंगे, क्योंकि उन्हें रियलाइज होगा कि ये जो टास्क है, ये जो ग्रुप परफॉर्मेंस है, ये बहुत वैल्यूएबल है और उससे इनको पर्सनल बेनिफिट मिलने वाला है। जब उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाएगी कि इंडिविजुअल लेवल पर भी उन्हें बेनिफिट होने वाला है, तो वो अपना 100% देंगे, वो अलर्ट हो जाएंगे, अराउज हो जाएंगे, फुली डेडिकेटेड होंगे टास्क के लिए और वो बेस्ट एफर्ट्स पुट करेंगे ताकि उनका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे जाकर उनको पर्सनल बेनिफिट मिलेगा इस ग्रुप परफॉर्मेंस से। तो टास्क की वैल्यू बढ़ाने से भी सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इम्पोर्टेंट। देखो, ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप करना कि इंडिविजुअल लेवल पर उनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि ग्रुप लेवल पर ही उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर उनके हर स्टेप को ऑब्जर्व किया जाएगा, उसे नोट डाउन किया जाएगा, अगर वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उन्हें अवॉर्ड भी किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो लोग मोटिवेटेड हो जाएंगे, वो इंडिविजुअल लेवल पर अपने बेस्ट एफर्ट्स देने की कोशिश करेंगे और देखो, जब हर इंडिविजुअल बेस्ट एफर्ट देगा तो जो कलेक्टिव टास्क है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट होगा। तो उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप करनी है कि आपका इंडिविजुअल लेवल पर इम्पोर्टेंस है, तभी वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और सोशल लॉफिंग रिड्यूस हो जाएगी। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग ग्रुप कोहेसिवनेस सो दैट देयर मोटिवेशन इज एनहेंस्ड। देखो, कोहेसिवनेस का मतलब मैंने आपको बताया था टुगेदरनेस, टीम स्पिरिट, वी की फीलिंग डेवलप होना। देखो, जब ग्रुप मेंबर में आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, वी की फीलिंग होती है, बिलोंगिंगनेस होती है, तो वहाँ पर जो भी काम होगा वो फुल डेडिकेशन और डिवोशन के साथ होगा, वहाँ पर बेस्ट एफर्ट्स होंगे, फुली मोटिवेटेड वर्क होगा। तो यहाँ पर कोहेसिवनेस इंक्रीज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप परफॉर्मेंस के सक्सेस के लिए मेंबर्स के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके अंदर वी की फीलिंग होनी चाहिए, उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये जो ग्रुप है ये हमारा अपना ग्रुप है, जो अवार्ड मिलेगा ये हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर यह वर्क करना है, हमारा एक कॉमन गोल है, उस गोल को हमें अचीव करना है। तो जब ग्रुप कोहेसिवनेस डेवलप होगी, जब ग्रुप कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर बेस्ट एफर्ट होंगे, वहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो फुली मोटिवेटेड होंगे और वो अपने 100% एफर्ट से सक्सेस अचीव करेंगे और अपने ग्रुप को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, या तो आपको रीजन पूछे जाएंगे या आपसे मेजर्स पूछे जाएंगे, तो आपको सोशल लॉफिंग की डेफिनेशन तो लिखनी ही लिखनी है। उसके बाद अगर रीजन पूछे जाते हैं तो आपको मेजर्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम कौन से स्टेप्स लेंगे, और अगर आपसे मेजर्स पूछे जाते हैं तो आपको रीजन के पॉइंट लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। होपली सोशल लॉफिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे रीजन आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों सोशल लॉफिंग अराइज होता है, और दूसरा आपको मेजर्स भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स लेकर हम सोशल लॉफिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैं जो आपके एनसीईआरटी है वो पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, इसलिए किसी तरह की होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। एक काम जरूर करना, मेरे वीडियो का लिंक आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना,
ताकि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हर बच्चे को मेरे वीडियो लेक्चर से बेनिफिट मिल सके। यही मेरा मोटो है वीडियो लेक्चर्स बनाने का, ताकि हर बच्चे को जो प्रॉब्लम्स है, जो उनके डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं बहुत इजीएस्ट वे से हर टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ। होपफुली आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।